कौन? इस विश्व में दो तरह के जीव हैं, एक भगवान को मानने वाले, दूसरा मेरे वजूद से इनकार करने वाले। तो तू कौन सा जीव है? भगवान? तुम दानवों को कहा गया था इंसानों से दूर रहने के लिए, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। क्यों मानू तेरी बात? मेरी दुनिया में तेरा अस्तित्व कोई नहीं मानता। बात यहां आस्तिक या नास्तिक होने की नहीं है। जो कोई भी खुद को भगवान से बड़ा समझता है, उनकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि यमराज को भी हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा और तुम्हें यहां लाया है। तू होता कौन है मुझे यहां पे लाने वाला? तेरी औकात क्या है? सजा देने के लिए लाया मुझे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दानवों ने खुद को हमेशा मुझसे बढ़कर समझा। न कोई भावना, न कोई मकसद, कुछ नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, बस तुम्हें नुकसान पहुंचाना होता है। हम इसी के लिए बनाए गए हैं। हमें दानव इसलिए कहा जाता है। हमारी जिंदगी में सिर्फ एक मकसद होता है, सिर्फ तड़पाना। कोई भी चीज एक हद तक सही होती है। कुछ नियम होते हैं जो तोड़े नहीं जा सकते। किसी कमजोर का शिकार करना, तुम दानव इतना नीचे गिर जाओगे सोचा नहीं था। उस इंसान का शिकार करना मेरा काम था, और हम कुछ भी करें, हमें नीच कहने का तुझे कोई हक नहीं है। तुझे लगता है कि तूने एक इंसान को मार दिया तो तू उनसे बढ़कर हो गया? उनके पास है ही क्या? वो सिर्फ और सिर्फ कमजोर है। तुम दानव इस दुनिया में इंसान से पहले आए थे, और हमेशा से ही तुमने इंसान के ऊपर हावी होने की कोशिश की। इस दुनिया से हम दानव का हक तो तूने छीन ही लिया है, पर अब इंसान को भी हमारी काबिलियत पता है। उनका विश्वास तुझ पर से उठता जा रहा है। तो उनके बारे में जानता है क्या? पूरे पृथ्वी में इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसके पास विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, उसका दिमाग। अगर तेरी ये बात सही होती ना, तो उस इंसान को मेरी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम जो अपनी शक्तियों से कर सकते हैं वो इस विश्व में कोई नहीं कर सकता। तू भी नहीं। तुझे बहुत घमंड है ना अपनी शक्तियों पर? तुझे तड़पाने में मजा आता है ना? अब क्यों तड़पेगा? पृथ्वी पे जाने के बाद समझेगा कि डर क्या है। तुझे जिन शक्तियों पर घमंड है ना, वो तुझसे छीन ली जाएगी। तुझे इंसान का शिकार करना पसंद है ना, तू तब समझेगा जब कोई इंसान तेरा शिकार करे। शरीर को और क्या चाहिए?
मुझे वो तावीज वापस लेना ही पड़ेगा।